गाइस अभी देख सकते हैं बारिश कितनी ज्यादा तेज आ चुकी है। बड़ी देखो बारिश को निहार रही है क्योंकि काफी टाइम बाद आज बारिश देखने को मिल रही है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बाढ़ आ चुकी है। कैसे हो? हमारी बहू रानी कितनी अच्छी है, काम करके आई है बहू और बेटे के लिए। हमारी नई नई बहू को है, उनको उसको है वो कमेंट करके बता, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना हाँ। और हमको सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग भी काफ़ी मस्त है। सो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ अपनी दुकान से और वो भी कर रही हूँ शाम के 4। तो डेली की ब्लॉग तो हमारे सुबह से स्टार्ट होते हैं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट। अभी हम हैं दुकान पर। सो गाइस अभी हो चुकी है बहुत तेज बारिश, सुबह से आ रही है बारिश, मतलब दिन में भी थोड़ा थोड़ा आ रही थी लेकिन अभी बहुत तेज हो चुकी है और अभी थोड़ा सा हल्की भी हो चुकी है। इससे पहले बहुत तेज बारिश हुई थी और देखो फिर से तेजी से बारिश स्टार्ट हो रही है। देखो इतनी बड़ी बड़ी बूंदे आ रही है, मैं जूम करके दिखाती हूँ, देख सकते हैं कितनी तेज बारिश आ रही है गाइस। और बारिश होने के बाद पहाड़ों का जो नेचर है ना वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है, काफ़ी मस्त। और यहाँ पे गरिमा दी देखो बारिश को निहार रही है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आज बारिश देखने को मिल रही है। गर्मी हो गई थी बट अभी बारिश हुई है, थोड़ा बहुत मौसम में राहत मिला है बहुत ज़्यादा। प्लेन से कई पहाड़ हो चुका है अभी इस सीजन में, इस गर्मी के सीजन में तो बारिश तो चाहिए थी। हाँ और अभी देखो फिर से तेज बारिश आने लग गई है। तो गाइस थोड़ी देर बाद हम भी जाएंगे घर को और बारिश में मैगी खाने का काफ़ी मस्त मज़ा आता है। गाइस अभी देख सकते हैं बारिश कितनी ज़्यादा तेज आ चुकी है। Oh my God. और आवाज़ भी सुन सकते हैं आप, इतनी तेज आ रही है आवाज। आज तो आ चुकी है बहुत तेज बारिश। तो गाइस अभी चलते हैं पीछे और पीछे देखते हैं कुछ देरी कितनी आ रखी है। अभी तो नहीं आई होगी, मतलब थोड़ा बहुत बारिश हो रही है तो बैक करके दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं अभी तो पूरी तरह से नहीं आ रखी है लेकिन पानी थोड़ा बढ़ चुका है, जितनी सूख चुकी थी कोसी नदी उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। और थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा कितनी ज़्यादा बाढ़ आएगी, मतलब उस हिसाब से बढ़ चलेगा। और देखो इतनी मोटी धार आ रही ऊपर से छत से, इतना मोटा पानी आ रहा है, कभी पानी आता नहीं है और कभी आता तो इतना ज़्यादा आता है। तो गाइस बारिश का मज़ा तो लिया हमने लेकिन देखो दुकान के अंदर भी पानी आने लग गया है, देखो ऊपर से टपकने लग गया है यहाँ पानी और ये सारा आ गया। तो मैं अपने सामान फटाफट से उतार दूँगा। ये भी गाइस इस तरह पानी से भर चुका है क्योंकि मेरी मशीन वगैरह है, बहुत टपक रहा है पानी तो। ये सामान को साइड कर देना। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बाढ़ आ चुकी है, यहाँ पानी देखो साफ है और ये आ चुकी है बाढ़। ओह माय गॉड, देखो बाढ़ आते हुए भी दिखा दिया मैंने आप लोगों को, इतना अच्छा मूवमेंट आपको दिखा दिया है। यहाँ हल्का हल्का पहुँच चुकी है और देखो काली और लाल मिट्टी बह के आ रही सारी और अभी भी पानी इतना तेज हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि नदी में नहाना नहीं चाहिए, मतलब जैसे लोग नहाने के लिए जाते ना, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश आ सकती है और कभी भी बाढ़ आ सकती है। ओह माय गॉड, पानी बढ़ चुका है और मौसम देखो। यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं 2 डब्बे खाली तो पानी इसमें स्टोर हो जाएगा। तो गाइस टाइम भी हो चुका है 6 बजे का, तो अब हम लोग भी चल लेते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं आधा घंटा पहले, वरना हम 6:30-7 बजे तक जाते हैं, वैसे ज़्यादातर हम 6:30 बजे जाते हैं। तो आज थोड़ा बारिश वाला मौसम फिर से हो रहा है, बारिश हल्की हल्की फिर से आ रही है तो इससे फटाफट टाइम से चले जाते हैं घर। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और दिखाते हैं आपको घर जाके आगे का ब्लॉग। तो गाइस मैं ही पहुँच चुकी हूँ घर, और घर पहुँचते देखो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं काम, ये जोड़ रहे हैं खिड़की। हम दोनों का काम, दोनों का मतलब सेम सेम है।
थोड़ा बहुत मेरा सोल्डरिंग का और इनका वेल्डिंग का, तो जोड़ी काफ़ी मस्त बढ़ी है हमारी, मतलब काम। गाइस देखो हमारी मौसी कितनी काम करती है, मेरे को काम करना पड़ेगा करके पहले ही देखो ना लौकी काट के रख दी है है ना। कैसे हो? हमारी बहू रानी इतनी अच्छी है, काम करके आ गई अपनी जॉब से आ गई। अब मैं यही करती हूँ, सब्जी बना देते हैं क्या कर रहे हैं और हम घर में बैठ बैठ के उसको करना ही है। अम्मी गाइस हमारी बहू को खूब ढेर सारे कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू। देखो ये लौकी हुई थी हमारे घर पे है ना, अरे हमने घर की लौकी खाएंगे देखो, और ये थोड़ा बहुत हमारे घर है किसी ने कुक कर दिया, तुमड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, हाँ तुमड़ी स्वादिष्ट होता है, ये टेस्टी होता है ना। सासू मैं यहाँ सिलाई करते करते फोन पे बात कर रहे हैं, चार आंख लगा के हेलो गाइस नहीं बोल रहे अब क्योंकि वो कॉलिंग पे। गाइस यहाँ पे बना रही है हस्बैंड के लिए गर्म गर्म मैगी, और मुझे देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, खा के देखते हैं। तो गाइस खाना हाथ तो खा लो अब, और काफ़ी ज़्यादा थकान रह गया अब, और तुम ये बार ब्लॉग को एल इतनी का रख लो, मतलब एंड नहीं करना है, मतलब यहीं पे रख रही हूँ क्योंकि ये कंटिन्यू होगा कल सुबह मॉर्निंग में। तो अभी के लिए इतना ही, और अभी सो जाते हैं, तो मिलते हैं सीधे आप लोग को सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, तो हम लोग भी काफ़ी मस्त हैं। सो करते हैं कल शाम के ब्लॉग को आगे को कंटिन्यू। तो आज सुबह सुबह उठ के झाड़ू पोछा सब कुछ हमारे साथ सुबह हो चुकी है, तो मेरे हस्बैंड जी भी आ चुके हैं यहाँ पर चाय लेके। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, तो कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं, बारिश हो रही है पिछले दो दिनों से, मैं आप घर से कम ही निकला है क्योंकि बारिश अभी आई है बहुत दिनों बाद, और ये विकराल रूप धारण कर सकती है, तो नदी के किनारे और नालों के किनारे से दूर रहे हैं, कभी भी बहने का खतरा हो सकता है। पर एक मैं वीडियो देख रहा था पुणे महाराष्ट्र का था, तो उसमें पूरा परिवार नदी में घूमने गया था तो वो बह गया, तो नदी नालों से दूर रहिएगा बारिश के टाइम पे। गाइस देखो ये है वो क्या बोलते हैं न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ दे रहे हैं आपको, और मैं पी रहा हूँ चाय, तो इनकी बातों को कुछ लोग ध्यान में दिया कुछ लोग ध्यान नहीं देते। हाँ नहा लिया, और मेरी सासू माँ की देखो आवाज़ आ चुकी है, नहा लिया बल देखो, और मौसी तो बेचारी जब से आई है तब से पूरे काम करने में लगी है। मौसी कितनी अच्छी है हमारी, सासू माँ गंदी है हमारी, तुम दादी के पास चले जाओ और मौसी ही रहेगी, सासू माँ भी काफी अच्छी है, अच्छी है। मेरी सासू माँ बस बोलती है, पर इनका अंदर से मैं जानती है इनका बिहेवियर कैसा है और ये कैसा सोचती है, बहुत अच्छा सोचती है, उनकी सोच काफ़ी अच्छी है, और उनकी सोच के लेके मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो हमेशा हर किसी के लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो ये रहा मौसम, सामने हमारे मैया का मंदिर, सामने साई देवी साइड को तो पूरा बंद हो रखा है, ये इधर साइड को साई देवी अपनी बहू और बेटे के लिए, हमारी नई नई बहू को है उनको उसको सिखाने के लिए आई हूँ मैं। क्या क्या बना रखा है? बनारी सिंगल, सिंगल कैसे बनाते हैं इसको? इसको सूजी को भगाते हैं पानी में, थोड़ा सा दूध डालते हैं, एक केला डालते हैं और सोडा डालते हैं बस। अच्छा तो देखो मौसी बना रही है आज नई डिश, मुझे भी खाने के लिए मिलेगा, स्पेशली हमारे लिए बनाई जा रही है ना, दूसरी बार आऊंगी मैं आप खाओगे। सो गाइस देखो मौसी ने बना दी, सिंगल बोलते हैं, सिंगल देखो, और सिंगल नहीं सिंगल, सिंगल सिंगल बोलते हैं इनको। अच्छा मैं तो पहली बार देख रही हूँ, और इनका डिजाइन देखो कितना अच्छा हो रहा है ना, तो मस्त, और देखो कैसे बना रहे हैं, ये देखो वो भी हाथ से बना रहे हैं, ये है असल पहाड़ी, असल पहाड़ी ये है ना आता है। तो गाइस आ जाओ गर्मा गर्म सिंगल खाने के लिए, जिनको खाना है वो कमेंट करके बता दे हमको कहाँ भेज दे। हाँ
ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, कमेंट करना हाँ। और हमको सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना एक दूसरे के। और ये बनाने हैं हम इनके, आप शौक खोल रहे हैं क्या कहते हैं, ये बनाएंगे और हम बेचेंगे हाँ, वो भी दिल्ली में, दिल्ली में। सुबह इसमें भी हो चुकी हूँ बनाने की रेडी, और मम्मी और मौसी जी चले गए अभी मंदिर में दिए जलाने के लिए ऊपर देवी माता के मंदिर में, तो मैं भी फटाफट से अपने घर के मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद करते हैं नाश्ता, फिर चलते हैं दुकान। अब हम लोग भी कर लेते हैं नाश्ता, और नाश्ते में हम लोग क्या खा रहे हैं वो दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं नाश्ते में है प्याज का पानी जो मेरा फेवरेट है, और ये है सिंगल रोटी। दीदी भी आ चुकी थी मेरे घर पे और आगे लेके आई है खाता। और गाइस एक चीज नोट किया आपने, मतलब पैसे तो पहले से सुंदर है दीदी, लेकिन जब से इसकी सगाई हो रही है तब से इसकी फेस में देखो और ज्यादा बुखार आती है। लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मजाक ही नहीं है, इट्स रियली बेबी। तो काफी स्मार्ट हो जा रही है दिन पे दिन, और इसके सामने मैं बहुत काली सी लग रही हूँ। और आज देखो कंटिन्यू बारिश लगी हुई है, ये देखो। तो गाइस दुकान में भी पहुंच चुके हैं हम, और झाड़ू वगैरह दीदी ने लगा दिए हैं, बाकी मैंने दिया धूप कर दिया है, और ये है हमारा मंदिर कर दिया है, और नीम करौली बाबा जी भी लगा रखे हैं मैंने यहाँ पे, इनका बहुत आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो गाइस मेरे पास पड़ा था एक काम पेंडिंग जो मैंने कल देखा था, मतलब एक घंटा उस पर टाइम दिया, मतलब उसके बाद भी वो नहीं हुआ, लेकिन फिर से मैं उसमें काम करने वाली हूँ और देखती हूँ मैं सक्सेस हो पाती हूँ नहीं, लेकिन मेहनत मैं पूरी करूँगी, जहाँ तक मेरे से हो पाएगा मैं वहाँ तक पूरा देखूँगी। मतलब एक फ़ोन है उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जैक वगैरह तो लगा दिया है, उसमें सप्लाई वगैरह अच्छे से बन नहीं पा रही है, तो वो ट्रैक पूरा चेक करके मुझे वो करना है, तो मैं करती हूँ फटाफट से अपना। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं ऐसी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय देवी जय उत्तराखंड।